क्या कुछ आंकड़ा है इसको लेकर, कितने जो टाटा के अंदर क्या जानकारी है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कैपिटल सिटी है शिमला, वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, क्योंकि ये कैपिटल है और यह लगभग 6,000+ फीट की हाइट पे है, 7,000 फीट की हाइट के करीब स्थित है हमारा शहर है। तो यहाँ पर जो स्पेस की जो कॉन्स्टेंट है, वी ऑल नो दैट, पिछले 10 दिनों में जो टूरिस्ट सीजन है, उस टूरिस्ट सीजन के दृष्टिगत लगभग पूरी सभी डायरेक्शन से शिमला सिटी में लगभग 2 लाख वाहनों ने आवागमन किया है और इस दौरान वाहनों की संख्या जो है वो काफी बड़ी है। और हमारे शहर का जो अपना ट्रैफिक है, जो अपने जो सिटी के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने वाहन है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, मेजर हॉस्पिटल यहाँ पे है, कॉलेज और सेक्रेटरीट है, हाई कोर्ट है, सारे मेजर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो यहीं पे हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वजह से भी वाहनों का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो अभी पिछले कल तक जो हमने पिछले साल और विंटर सीजन और अप्रैल सीजन में जो प्लान एग्जीक्यूट किया था, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का तात्पर्य हमारा ये है कि हम शहर की जो वाहनों की संख्या है, उस एग्जिस्टिंग संख्या को, जो बाहर से इनफ्लो ट्रैफिक, इनपुट जो ट्रैफिक का है, उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बॉटल नेक्स हैं, वहाँ की जो कैपेसिटी है वाहनों को क्रॉस कराने की, उसके सामंजस्य में। तो आज से हमने ये शुरू किया है और आज हमारा ट्रैफिक का जो संचालन है काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डेज। और ये एक टाइम, नंबर और स्पेस के आधार पर हमने एक ट्रैफिक प्लान बनाया है जो लोगों के समय को बचाता है और ट्रैफिक की कंजेशन को कम करता है। और पर मिनट जो ट्रैफिक फ्लो है बॉटल नेक से, उसका हम जो है प्रोपोर्शनेट, जो है एक सिंक्रोनाइज्ड तालमेल, जो है कोऑर्डिनेशन, जो है बिठाते हैं बाहर से आने वाले ट्रैफिक के साथ। तो कुल मिला के जो आने वाले 15-20 दिन जो हमारे पास, हम आशा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो रहेगा, उसको मेंटेन करने के लिए हम बेहतर प्लानिंग के साथ पॉलिसी लगाया है, उसी की हेल्प के साथ हम आने वाले समय में काम करेंगे। जी सर, आगे इसी सप्ताह की बात करें तो 15 तारीख से समर फेस्टिवल भी शुरू होने जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें किस तरह की रहने वाली है, किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है? जहाँ तक समर फेस्टिवल की बात है, ये बड़ा हैपनिंग और एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर रहता है शिमला में समर फेस्टिवल के दौरान। तो अभी जो तारीखें सुनिश्चित हुई हैं, 15 से 18 तारीख के बीच में समर फेस्टिवल होना है, तो इस दौरान हम शिमला का जो कोर एरिया है, हमारा माल रोड है और रिज मैदान है और इसके आसपास के जो जितने भी एरियाज हैं, उनको पेरिफेरल एरिया जो है, उसको हम 3 सेक्टर्स में विभक्त करते हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान बनाते हैं, जिसमें देर रात तक सुरक्षा की जो तैनाती की जाती है कोर एरिया में, पेरिफेरी एरिया में, ताकि जो लोग समर फेस्टिवल के लिए माल रोड पे, रिज पे आते हैं आनंद लेने के लिए, उनकी सुरक्षा जो है सही तरीके से सुनिश्चित हो। और जहाँ तक ट्रैफिक प्लान की बात है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हम शिमला को डिकंजेस्ट करने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं उनको हम जारी रखेंगे और साथ साथ में ये सुनिश्चित करेंगे कि जो शहर के भीतर का ट्रैफिक है, जिसमें शहर में चलने वाले जो आम लोग हैं, जो उनको प्रॉपर सुविधा के साथ हम ट्रैफिक का संचालन कर सकें। जो पर्यटक बाहर से घूमने के लिए समर फेस्टिवल में आ रहे हैं, सुरक्षा के साथ साथ अगर बड़ी बात की जाए जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो है एक फ्रेंडली बिहेवियर असर किस तरह की दे रही है? देखिए, जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है और इस आशा के साथ आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और वो अपने अच्छा समय बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं, और वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर हमारे जो टूरिज्म है, हमारे इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो पुलिस एज ए फैसिलिटेटर उसमें काम करती है कि जो लोग आए उसमें अच्छे फैसिलिटेटर काम काम करें, लोगों को गाइड करें, और साथ साथ में बहुत से लोगों को यहाँ के जो स्थानीय टूरिज्म के साथ साथ जो है जो ट्रैफिक नियम है उनके बारे में जानकारी नहीं भी होती है, तो उसमें भी हम उन लोगों को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, नॉट एज ए ऑब्स्ट्रक्टर कोई काम करना है कि हम जो दिन दैनिक का जीवन का प्रवाह है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें। तो इसी मंशा के साथ सिटीजन सेंट्रिक होकर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।